नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आप देख रहे हैं टर्न और प्रेजेंट्स, मोर से ज़्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का। और मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम ज़्यादा और बेविज पार्टनर है सरप्राइज, डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन। जनाब बात हो रही है पीएसएल की, तो पीएसएल अपने चौबन पर है और चौके छक्कों की बरसात जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ स्टेडियम्स में जारी है। अब तक लाहौर और कराची स्टेडियम्स में मैचेस जो हैं वो खेले गए हैं, लेकिन अब अगला मरहला शुरू होने वाला है और अगले मरहले में ये मैचेस होंगे मुल्तान और रावलपिंडी में। मुल्तान के मैदान में बहुत अरसे बाद, लगभग कुछ 11 साल बाद क्रिकेट का एक बड़ा इवेंट वहां पे होगा और पीएसएल का मैच मुल्तान में खेला जाएगा। मुल्तान के ग्राउंड में बहुत खूबसूरत स्टेडियम है मुल्तान का। मुल्तान के लोग बेताब थे कि वो मुल्तान के मैदानों में इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को और अपने पाकिस्तान के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को मैदान में इन एक्शन देख सकें। तो कल मुल्तान के ग्राउंड में किस किस का मैच होगा बताइएगा। मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पिशावर ज़ल्मे का ये मैच होने जा रहा है, कांटे का मैच ये मुतवक्के है, क्योंकि मुल्तानियों की इज्जत दांव पर होगी। मैच है मुल्तान के अंदर ही और शान मसूद जो हैं वो भी मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और शान मसूद के लिए भी कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि वो मुल्तान के सुल्तान्स हैं, पहली बार कैप्टेंसी कर रहे हैं और मुकाबला है डैरन सैमी के साथ। डैरन सैमी की टीम जो कि इस वक्त लेथल कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतर रही है, परफेक्ट बैट्समैन अगर बात की जाए कामरान अकमल की, टॉप स्कोरर हैं, और अगर बात की जाए बॉलर्स की तो वो भी किसी से कम नहीं हैं। और बात की जाए अगर लेकिन मैं चाहूँगा पीरज़ादा के मैं जरा जो स्टैट टेबल हमें बताता है वो क्या बताता है, क्योंकि छह टीम्स में इस वक्त पीएसएल सीजन 5 का हिस्सा हैं। कल मुल्तान में होने वाला मैच मुल्तान सुल्तान्स और पिशावर ज़ल्मी के बीच में है। पिशावर ज़ल्मी ने दो मैच खेले, एक मैच जीता एक मैच हारी और नेट रन रेट है +0.197 है, जबकि मुल्तान सुल्तान और पोजिशन है पिशावर ज़ल्मी की तीसरी, मुल्तान सुल्तान पोजिशन टेबल पर है चौथे नंबर पे है और उसके मुल्तान सुल्तान ने कुल दो मैचेस खेले हैं, एक मैच मुल्तान सुल्तान ने जीता एक मैच मुल्तान सुल्तान हार गया और नेट रन रेट दो मैचेस के बाद मुल्तान सुल्तान का बनता है 0.197, ये मुल्तान सुल्तान का है सॉरी, और पिशावर ज़ल्मे का है 0.210। तो पिशावर ज़ल्मे नेट रन रेट दोनों के सेम है लेकिन दोनों का इतना ज्यादा फर्क हमें महसूस नहीं हो रहा। और अगर कल का जीतना चाहे मुल्तान सुल्तान तो जीत सकती है, क्योंकि अगर 2018 के मैचेस की बात की जाए तो अच्छी तरीके से जो है वो फतह हासिल की थी, पिशावर ज़ल्मे को टफ टाइम दिया था और जीत भी हासिल की थी मैचेस में, दुबई में जो मैचेस खेले गए थे। और अगर बात की जाए 2019 की तो इतना अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं रह पाया मुल्तान सुल्तान का। लेकिन अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है अब तक के दो मैचेस जो गुजरे हैं उनमें अगर नेट रन रेट देखा जाए और अगर बात की जाए परफॉर्मेंसेस के हवाले से तो दोनों ने एक एक मैच लूज किया है और एक ही जीते हैं और जो मोटिवेशनल लेवल होगा वो भी सेम होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए चांस है उनका ज़्यादा होगा, क्योंकि वो पहली दफ़ा होम ग्राउंड के ऊपर खेलने जा रहे हैं। शान मसूद जो है वो कप्तानी कर रहे हैं, शाहिद खान अफरीदी भी उनके साथ मौजूद हैं, तो चौकों छक्कों की बरसात जो है वो मुतवक्के है, क्योंकि मुल्तान के लोग जो हैं वो शाहिद आफरीदी के बहुत ज़्यादा, वैसे तो पूरा पाकिस्तान उनका बहुत बड़ा फैन है, क्योंकि मुल्तान सुल्तान के लोग आफरीदी के साथ बड़ी अच्छा। अब हम मुल्तान सुल्तान की थोड़ी टीम को डिस्कस कर लेते हैं। मुल्तान सुल्तान के अंदर सबसे पहला नाम तो बूम बूम लाला का ही है, शाहिद खान अफरीदी, फिर रवि बुबारा जो अच्छा खेलते हैं, सोहेल तनवीर हैं, रिली रोसो हैं और जेम्स विंस हैं। जेम्स विंस के हवाले से बताते जाऊँ तो चौकों छक्कों के लिए काफ़ी मशहूर भी हैं। इमरान ताहिर है, कौन नहीं जानता इनको, और अगर बात की जाए अच्छे स्पिनर्स की तो उनका नाम जो है वो ज़रूर आएगा उस लिस्ट के अंदर। मौजूद हैं इंग्लैंड के प्लेयर हैं और इंग्लैंड जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड कप भी जीती है और अच्छा खेलते हैं, और फिर उसके साथ वेन मैटसन हैं, साथ मोहम्मद इरफान हैं, जुनेद खान हैं और उस्मान कादिर हैं, बिलावल भट्टी हैं, शान मसूद कप्तानी कर रहे हैं और खुशदिल शाह जो हैं वो भी इस स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं।
शायद इमरान कुरैशी हैं, क्योंकि मुल्तान के साइड पे हम बात करेंगे। पहले कुरैशी साहब से बात कर लें, मुल्तान के नुमाइंदे हैं, मुल्तान में इस वक्त मौजूद हैं। कुरैशी साहब बताइएगा, मुल्तान में मुल्तान के मैच को लेके, पीएसएल के मैच को लेके जो आवाम है उसमें किस तरह का जोश और जज्बा है, कल के मैच की तैयारी क्या है, स्पेशली कितने लोग एक्सपेक्टेड हैं ग्राउंड में पहुँचेंगे, सिक्योरिटी इंतजाम क्या हैं, पार्किंग के इंतजाम क्या हैं, एक ब्रीफ डिटेल ज़रा बता दें हमें। जी बिल्कुल, मुल्तान भी जो है पीएसएल की मेजबानी करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तकरीबन 30 करोड़ रुपए की खतीर रकम से जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम की तंजीम और ऐश का काम जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। पाकिस्तान के 5 बड़े स्टेडियम में जो है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम का जो है 3रा नंबर है, और अब इसको पहले से ज्यादा जो है वो खूबसूरत बनाया गया है। स्टेडियम के अंदर जो है तकरीबन 30,000 से ज्यादा शायकीन के बैठने की गुंजाइश है। कुर्सियों को जो है वो कलर भी कर दिया गया, बड़ा डिजिटल स्कोर बोर्ड जो है पहले नहीं था अब वो भी नष्ट किया गया है। बाउंड्री वॉल पहले नहीं थी, उसको भी सिक्योरिटी को मदद नजर रखते हुए जो है तामीर किया गया है। मुख्तलिफ महकमों ने जो है अपने अपने काम जो है मुकम्मल कर लिया है। हैवी जनरेटर का भी जो है किया गया है ताकि जो डे एंड नाइट मैच खेला जाएगा मुल्तान में, इसमें जो है किसी किस्म की रुकावट ना हो। स्टेडियम के अंदर जो है 10 बेड पर मुश्तमिल जो है आरजी अस्पताल भी कायम कर दिया गया है। जिला इंतजामिया ने जो है तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे भी पूरी तरह जो है वो चौकस हैं। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो पुलिस की जानिब से जो है तकरीबन 8,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं स्टेडियम के अंदर और बाहर। शायकीन को जो है फूल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने भी जो है ट्रैफिक प्लान तैयार कर लिया है। खिलाड़ियों को स्टेट गेट का दर्जा दिया गया है। मुल्तान सुल्तान अपने होम ग्राउंड में जो है 3 मैचेस खेलेगी। पहला मैच जो है कल पिशावर जलमी और दूसरा मैच जो है 28 को कराची किंग्स और तीसरा मैच जो है 29 फरवरी को क्वेटा ग्लैडिएटर से मुकाबला करेगी। शायद ये भी बता दीजिएगा कि मुल्तान की जो आवाम है उसकी फीलिंग्स मुल्तान सुल्तान के साथ होंगी, पहली दफा वो अपने टीम को अपने होम ग्राउंड में देखेंगे, तो आवाम का क्या तासुरात क्या है, आपकी बातचीत हुई होगी उन लोगों से जो बेताब है कल का मैच देखने के लिए? जी बिल्कुल, तकरीबन 11 साल बाद जो है मुल्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली जो है वो मुमकिन हो सकी है। मुल्तान के शायकीन क्रिकेट को जो है अब इन मैचों का बेसब्री से इंतजार है। पहली बार जो है पीएसएल मैच जो है 3 मैच मुनक्किद किए जा रहे हैं। 12 साल बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाड़ियों को अपनी आंखों के सामने जो है खेलता देखेंगे शायकीन क्रिकेट। 3 मैचेस की तमाम टिकटें जो है वो फरोख्त हो चुकी हैं और एक बड़ा करोड़ जो है वो शायकीन का देखने में नजर आएगा और शायकीन को क्रिकेट को जो है बेचैनी से कल के मैच का इंतजार है। जी बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब वक्त देने के लिए। मुल्तान की आवाम बेताब है, मुल्तान के मैदानों में सजने वाला कल का बड़ा मार्का जिसमें मुल्तान सुल्तान और पिशावर जल में नजर आएंगे। दोनों टीम्स में बड़े प्लेयर्स हैं और दोनों टीम्स में वो प्लेयर्स हैं जिनको आवाम देखना चाहती है इन एक्शन। कामरान अकमल है, डैरन समी है, दूसरी जानब शाहिद अफरीदी हैं। हम बात कर रहे थे, जैसे पिजा साहब ने कहा, मुल्तान सुल्तान की टीम के हवाले से बताया। मुल्तान सुल्तान एक बैलेंस टीम है इन 6 टीमों में जिसमें जिसके पास एक अच्छा बॉलिंग एंड बैटिंग कंबिनेशन है। अगर बॉलिंग का देखा जाए तो स्पिनिंग क्वालिटी है, मोइन अली हैं, इमरान ताहिर हैं, और अगर फास्ट बॉलर्स की हम जानिब बढ़ते हैं तो इरफान हैं जो अच्छी हाइट पे बॉल करते हैं, जुनैद खान हैं जो अच्छी पेस निकालते हैं और बॉल को अंदर आते हैं और अंदर लेके आते हैं जिससे बड़ी मुश्किल होता है बैट्समैन को उस बॉल को संभालना। लाला बजाते हैं खुद बहुत अच्छे, और शाहिद अफरीदी अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर, अच्छे सीनियर हैं। और अब पिशावर जलमे के स्क्वाड के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। तो जनाब, पिशावर जलमे के अंदर सबसे पहला नाम आता है मुल्तान सुल्तान जब बनी थी, जब टीम इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त के कप्तान शुएब मलिक जो हैं वो पिशावर जलमी में सबसे पहले आते हैं। फिर कामरान अकमल विकेट कीपर बैट्समैन को नहीं जानता उनको, क्योंकि मुसलसल पीएसएल की सीजन्स के अंदर परफॉर्म करते आए हैं। फिर डैरन समी हैं और वो हमारे जनाब लाला भी हैं, और पिशावर जलमी के जो सपोर्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डैरन समी को ही जानते हैं, और ना सिर्फ पिशावर जलमी के सपोर्टर्स बल्कि पूरा पाकिस्तान डैरन समी से मोहब्बत करता है, और उनको अब एजाजी शहरियत का ऐलान भी कर दिया गया है। इस मार्च को मिलेगी और बिल्कुल उनको शहरियत दी जाएगी, और अब देखना यह है कि वो शनाख्ती कार्ड किस तरह से बनवाएंगे और सब लोग वहाँ पर मौजूद होंगे। साथ साथ वहाब रियाज हैं और फिर उमर अमीन हैं, साथ लाइम डॉसन हैं,
और लियोस जॉर्जी हैं और कार्ल्थ वाइट भी हैं और राहत अली हैं, इमाम हक हैं और लाइम लिविंगस्टोन है हमारे साथ। स्पोर्ट्स एनालिस्ट आलिया रशीद साहब मेरे साथ हैं। आलिया साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इवेंट है जो पाकिस्तान में हो रहा है आजकल क्रिकेट के चाहने वालों के लिए, और इसका फायदा ना सिर्फ पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान के क्रिकेट को भी होगा डेफिनेटली। किस तरह देखती हैं आप अगले मैचेस में कौन बेहतर परफॉर्म करता आपको नजर आ रहा है आलिया साहब? जी सबसे पहले तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और आवाम को सबको मुबारकबाद देनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा इसका मैग्नीट्यूड है, जिस स्केल पे ये टूर्नामेंट हो रहा है, और माशाल्लाह पहला जो इसका कराची लाहौर का स्पेल है वो जिस खुशसलूबी से हो गया है, और अब मुल्तान टूवर्ड मुल्तान और पिंडी पीएसएल जो है वो तरक्की करता हुआ जा रहा है, तो बहुत ही खुशाइंद है। और सबको पता है कि पीएसएल कितना बड़ा ब्रांड है और जिस तरह से लोगों की एक एसोसिएशन है शहरों के हवाले से, जो मोहब्बत है, जो जज्बातियत है, वो हम देख रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए भी फीडबैक पहुंचता है और जो स्टेडियम में लोग तालियां बजाते हैं और दाद देने आते हैं इतनी मुश्किलात के बावजूद, तो ये सब उनकी क्रिकेट से मोहब्बत है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और जहां तक टीमों का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है कि अभी दो तीन टीमें हैं, उन्होंने दो दो मैचेस खेले हैं और दो टीमें जो हैं वो तीन तीन मैचेस खेल के उनके चार्टर क्वेटा और इस्लामाबाद के, तो जलमी लाहौर और कराची के अभी मैचेस रहते हैं, तो काफी इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुल्तान सुल्तान का देखते हैं कि कल मैच जो है वो पेशावर से कांटेदार होना चाहिए, होम ग्राउंड का एडवांटेज। आपके ख्याल में मुल्तान और पेशावर जलमी के दरमियान होने वाला मैच, क्योंकि दोनों की अगर हम टेबल पर पोजीशन देखते हैं तो पेशावर जलमी तीसरे नंबर पर है और दो मैचेस में से एक जीती और एक हारी, यही सूरत हाल मुल्तान सुल्तान की है, तो कल का मैच आप किस तरह देखती हैं, कौन ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे है इन दोनों में? साइकोलॉजिकली डेफिनेटली पेशावर को एज हासिल है तजुर्बे के लिहाज से भी, लेकिन पिच के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा। अगर तो बॉल ग्रिप कर रहा होगा और स्पिनर्स को हेल्प करेगा तो मुल्तान सुल्तान को एज है, वो तीन तीन लेग स्पिनर खिला रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। आप T20 में आप प्रेडिक्शन बिल्कुल नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, जो उस दिन अच्छा खेलता है वो जीत जाता है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे पेशावर को एज हासिल है और होम ग्राउंड का मुल्तान सुल्तान को एज हासिल है, तो एक जज्बात भी होते हैं। शान मसूद को भी पता है कि हम मुल्तान में खेल रहे हैं, सारा क्राउड उनको बैकअप करेगा पीछे से। तो अली रशीद साहब ये बताएगा कोई सरप्राइज मिल सकता है आवाम को मुल्तान सुल्तान की जानिब से और पिच की जानिब से कि वो किस तरह से बिहेव करती है, क्योंकि 11 साल बाद अब मैच होने जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रही हूँ ना कि अगर तो जाहिर है बगैर के मैं नहीं बता सकती किस पिच के ऊपर खिला रहे हैं, क्या जनरली तो T20 में बैटिंग ट्रैक होता है, आपको पता है बैट्समैन की अच्छी परफॉर्मेंस पे ही लोग देखने जाते हैं T20, लेकिन यू नेवर नो कि अगर पिच ऐसी हुई जहाँ स्पिनर्स को हेल्प मिली। लेकिन आलिया साहब अगर बात हो रही है, मैं कतअ कलामी की माजरत चाहूंगा आपसे, मैं जाती तौर पर जब मैं बैठ के देखता हूं जो पीएसएल के मैचेस होते हैं तो मुझे लगता है कि शायद मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान में मैच हो रहा है तो 200 का स्कोर बोर्ड पे लगेगा, लेकिन ये कम देखने में आया है, तो मुझे फील ये होता है कि शायद उतनी तेज पिचेस बनाई नहीं गई जितनी बनाई जानी चाहिए थी, क्या ये दुरुस्त बात है? नहीं, मेरा ख्याल है इसमें दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये है कि देखिए T20 का जो एवोल्यूशन है ना वो है ही बैट्समैन की वजह से, और बैटिंग अगर आप मतलब जितनी लंबी बैटिंग होगी उतना लोग देखते हैं। हमारा इशू इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखिए तो वो ये है कि बॉलिंग की क्वालिटी हर टीम के पास बड़ी जबरदस्त है, आपके पास हर टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो 140 प्लस जो है KPH करने की सलाहियत रखते हैं, तो उससे क्या है कि आप मुकाबला इतना जबरदस्त हो गया है कि वो बैट्समैन को भी आसानी से उस तरह रन नहीं बनाने दे रहे, तो इसकी जो कंपेटिटिवनेस है ना ये बहुत जबरदस्त है, उसको वो एक मैयार है पीएसएल का, जिसकी वजह से दुनिया भर में इसको एक रिस्पेक्ट की नजर से भी देखा जाता है, और दुनिया के बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो है वो भी आके कहते हैं कि यहाँ पे रन बनाना आसान नहीं है। बिल्कुल सही गॉट द पॉइंट। सिर्फ ये मैं पूछना चाहूंगा, मुझे याद है आपके मैं सबका ट्वीट्स पे देखता हूँ, हम भी उसे रीट्वीट किया करते थे जब पहले 4 सीजन दुबई में होते थे, तो कुछ इंडियंस उन खाली कुर्सियों की तस्वीरें निकाल कर सोशल मीडिया पर डालकर पाकिस्तान की लीग का मजाक उड़ा करते थे, और हम उससे हर्ट भी होते थे, हम तो अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब की बार सूरत हाल बड़ी डिफरेंट है, ग्राउंड भरे हुए हैं, हमारे मुल्तान के रिपोर्टर बता रहे हैं कि तीन मैचेस हैं और तीनों की टिकटें मुकम्मल तौर पर फरोख्त हो चुकी हैं, तो एक बड़ा मजमा, बड़ा क्राउड, बड़ा इवेंट पाकिस्तान में होने के बाद हमने साबित किया है, तो वो जो नहीं चाहते थे खासतौर पर इंडियंस, उनको क्या मैसेज गया होगा इसके बाद?
देखिए बात ये है कि जो शारजा और दुबई में करवाना हमारी मजबूरी थी, वक्ती मजबूरी थी, और मेरा ख्याल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और क्रिकेट बोर्ड को इस पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पिछले साल ही कह दिया था कि अगला पीएसएल पूरा पाकिस्तान में होगा चाहे जैसे भी हो, हालांकि अभी भी जो लोग ये अरेंज कर रहे हैं, जिस तरह बोर्ड मैनेज कर रहा है, लॉजिस्टिक्स के जो प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग है, ये कोई आसान नहीं है, लेकिन ये कुर्बानी आपको देनी पड़ती है अपना इमेज बनाने के लिए। और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, और उनकी कुर्बानियों का समर ही है जो आज रौनकें हम देख रहे हैं क्रिकेट स्टेडियम के अंदर। आलिया रशीद साहिबा बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना। आलिया साहब जाने से पहले एक सवाल लाहौर के अंदर अगर पूछ सकते हैं हम, आलिया साहब है लाइन पे? जी मैं हूँ। आलिया साहब मैं लाहौर कलंदर के हवाले से कि मतलब ये बैड लक है, ये हार्ड लक है, ये है क्या जो हो रहा है? नहीं देखिए इशू ये है कि हम पुरानी परफॉर्मेंसेस को जोड़ के देख रहे हैं। एक्चुअली जो पिछला मैच हुआ है इस्लामाबाद के खिलाफ, अगर उसमें आप 182 रन भी करते हैं और 9 विकेटें भी ले लेते हैं तो आप बहुत अच्छा खेल आपने पेश किया है। बिल्कुल। एक आखिरी विकेट के ऊपर वो गेम किसी का भी हो सकता है। T20 तो नाम ही इसी का है कि जो उस प्रेशर को सस्टेन कर गया उस लम्हे में, जो मूसा खान ने किया, जो एक्चुअली इस्लामाबाद ने किया, तो उनको क्रेडिट देना चाहिए। और पाकिस्तान सॉरी लाहौर कलंदर की टीम ने बॉलिंग बुरी की लास्ट ओवर्स में, और शनवारी ने खुसूसन मायूस किया, और उनको लगाना उससे भी बड़ी बेवकूफी थी, क्योंकि जब एक आदमी पहले आपको 40 रन दे चुका है तो आप उसको लास्ट ओवर क्यों दे रहे हैं? तो ये कैलकुलेशन, जैसा कि मूसा खान का आलिया रशीद साहिबा ने जिक्र किया है, इसके ऊपर भी हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन हमें अभी ब्रेक पर जाना है। मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर खेल दीवानों का बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट, डिटर्जेंट पार्टनर है सर्फ एक्सल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, और पावर्ड बाय लिप्टन एंड यूफोन। तो मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, मोर से ज्यादा क्रिकेट फेवर, टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से ज्यादा क्रिकेट फेवर खेल दीवानों का, और डिटर्जेंट पार्टनर हैं हमारे सर्फ एक्सल, बेवरेज पार्टनर है स्प्राइट, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी, और पावर्ड बाय यूफोन एंड लिप्टन है। जनाब जाने से पहले बात हो रही थी परफॉर्मेंसेस के ऊपर, और परफॉर्मेंसेस का हमें तस्करा जरूर करना है, और अगर बात की जाए गुज़िश्ता मैचेस की तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स का बड़ा, मोहम्मद मूसा बता दें उससे पहले, मोहम्मद मूसा के बारे में बता दें, लेकिन मैंने कहा था और आपने कहा था मोहम्मद मूसा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आपने देखा, लेकिन हमें वो अभी परफॉर्मेंस बतानी है। लेकिन इससे पहले एक मैच हुआ था कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का, उसके अंदर देखना है कि किस तरह से परफॉर्मेंसेस शो की गई खिलाड़ियों की जानिब से। तो पहले हम लोग चौके छक्के देखते हैं कराची किंग्स के, कि किस तरह से चौके छक्के मारकर शायकीन क्रिकेट को पुरजोश किया गया, पुरजोश बनाया गया, और जो नक्शा है स्टेडियम का बदला गया, आइए वो देखते हैं। वेलकम बैक, कराची किंग्स के बल्लेबाजों के शॉट्स आपने खेलते हुए देखे, लेकिन अगर हम स्कोर बोर्ड की बात करते हैं, पोजीशन बोर्ड की, पॉइंट टेबल की बात करते हैं, तो कराची किंग्स पांचवें नंबर पर, लेकिन टफ टाइम जरूर दिया था दो नंबर की टीम को, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से भी अच्छा खेल जो है वो परफॉर्म किया गया। सरफराज अहमद और जो आजम खान हैं उन्होंने कराची किंग्स वालों की चलने ना दी। किस तरह से चलने ना दी, उनकी बैटिंग लाइन की परफॉर्मेंस देखिए। जिनाज़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाजों के शॉट्स 4 and 6 बाउंड्री के पार, बॉल को भेजते हुए अच्छा बैट कैरी किया तीनों मैचेस में। गो एक मैच क्वेटा ग्लैडिएटर को हारना भी पड़ा, लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर की अगर हम बैटिंग लाइनअप देखें तो तीनों मैचेस में काफी अच्छी हमें नजर आई है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद कौन है बताइए? इरफान जहीर साहब। और इरफान जहीर साहब हमें आपकी याद आ रही है, इरफान जहीर क्या सुन सकते हैं आप हमें? जैसे हमने देखा कि लास्ट 2 सीजन से खेल रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ और काफी प्रॉमिसिंग लड़का है, और ऑल्दो के वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा परफॉर्म नहीं कर सका टेस्ट मैचेस के अंदर, बट पोटेंशियल अवेलेबल है, इवन वो भी टीम के साथ उसका स्क्वाड में थे बांग्लादेश के लिए भी, बट उसको टीम में इसीलिए रखा गया कि वो टीम के साथ उसको लेके चले क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग का पार्ट था ये लड़का। और बैटिंग का मैंने पहले भी सुना था कुछ प्लेयर्स के साथ कि ये अच्छा बैट भी है, और जो कल अपॉर्चुनिटी मिलने में परसों उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने
काफी प्रेशर वाला मैच था और एक्सपीरियंस खिलाड़ी जो हैं वो भी डगमगा जाते हैं, और जिसमें से अगर शिनवारी की नौ बॉल के हवाले से बात की जाए तो वो भी काफी महंगी पड़ी, तो जिस तरह से टैलेंट शो किया है। लेकिन मेरे ख्याल में शिनवारी की नौ बॉल से ज्यादा जो कर दिया ना वो मोहम्मद मूसा ने किया, मैच का तो पासा पलट कर रखा, मैच ही बदल डाला मोहम्मद मूसा ने। जी बिल्कुल, देखिए T20 गेम के अंदर आपके पास वापस आने का, कमबैक करने का चांसेस बहुत मार्जिन बहुत लेस होता है। ODI और टेस्ट क्रिकेट के अंदर आप फिर भी रिकवर कर पाते हो, बट इसमें आपके पास चांस नहीं होता। आपकी एक मिस्टेक, आपका एक ओवर, आपकी एक आधी विकेट वो मैच को बिल्कुल ही चेंज कर देती है। नो बॉल का इफेक्ट आया, शादाब लंबा खेल गए वो नो बॉल हो गई थी, उसके बाद जैसे देखा कि इनको भी बॉल अच्छी नहीं की, फुल लेंथ बॉल करते रहे और वो इजिली हिटिंग जोन के अंदर बॉल आ रही थी और वो हिट करते चले गए। ऐसे टेल एंडर के लिए आप यॉर्कर करते हैं या स्लोर वन करते हैं, वेरिएशन लानी पड़ती है। बट शिनवारी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा था, बट क्योंकि क्रंच गेम्स के अंदर ऐसा होता है, प्रेशर गेम के अंदर ऐसा होता है कि अच्छे से अच्छा प्लेयर जैसे एज यू सेड कि वो पैनिक हो जाते हैं और वो मिस्टेक कर जाते हैं, वो दैट हैपेंड दैट डे। और मूसा शायद मुझे लग रहा है कि शिनवारी को शायद एक ये भी डाउट था कि यॉर्कर लेंथ पर अगर बॉल जाए और वो 140 से ऊपर ना आए तो बैट्समैन उसको बड़ा इजीली टेकअप कर लेते हैं, तो शायद इस डर की वजह से वो यॉर्कर पे जा नहीं रहे थे। शायद शिनवारी का पेस अच्छा है, शिनवारी अप्रोक्सीमेटली 140 और से प्लस ही बॉल करते हैं। लेकिन कराची किंग्स का भी आपको मैच याद होगा इरफान जहीर, वो भी काफी महंगा पड़ा था उनको नौ बॉल, इस दफा भी नौ बॉल महंगा ही पड़ा है उनको। जी जी बिल्कुल, देखिए यही बात है ना कि आपके अंदर जब आप प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर आते हो तो मिस्टेक का मार्जिन बहुत कम होता है, आपकी कुछ मिस्टेक आपको फिर वो रिकवर नहीं करने देती, तो इसीलिए इवन आपको चैंपियन ट्रॉफी का भी याद होगा जैसे हमें फखर ने जो चैंपियन ट्रॉफी जिताई थी तो उसमें हमने देखा कि वो नो बॉल पे आउट हुए और उसके बाद उन्होंने 100 किया और हम इजीली चैंपियन ट्रॉफी जीत गए। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितना आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते चले जाते हैं आपके पास मिस्टेक का मार्जिन उतना कम होता चला जाता है, और यही एक प्रोफेशनल क्रिकेट की खूबसूरती भी यही है कि वो इसको मिनिमाइज करके खेलता है अपनी गेम। और प्रोफेशनल क्रिकेट के हवाले से बात करें तो कुछ प्रोफेशनल बैट्समैन और विकेट टेकर्स की बात कर लेते हैं। बैट्समैन के रन्स मैं बता देता हूं, विकेट टेकर्स जो हैं वो आपको पिज़्ज़ा बता देंगे इरफान जहीर साहब, आप भी सुनते रहिएगा और इसके ऊपर डिस्कशन भी करनी है, डिस्कशन भी हम आपसे। पहला नाम तो आपके दोस्त का है, तो मैं बात करता हूँ जी PSL सीजन 5 में अब तक के किए गए मैचेस में कौन है जिसने सबसे ज्यादा रन स्कोर किए हैं और वो किस नंबर पर है। पहले नंबर पर कामरान अकमल, 144 रन अब तक स्कोर किए, 81 बॉल्स का सामना किया, दो ही इनिंग्स खेले क्योंकि पिशावर जलमी ने अभी तक सिर्फ दो मैचेस खेले हैं, इसमें उन्होंने 18 फोर्स बाउंड्री के पार बॉल को फेंका, 6 सिक्सेस हैं इसके अंदर, 100 भी स्कोर कर चुके हैं और इनकी एवरेज बन रही है 72। इसके बाद ये पोजीशन 1 पे हैं, पोजीशन 2 पे DJ मलान हैं, इन्होंने अभी तक 121 रन स्कोर किए हैं, 83 बॉल्स का सामना किया है, 3 मैचेस खेले हैं, 13 चौके हैं और 4 सिक्सेस हैं, इन्होंने 150 स्कोर की है जबकि एवरेज है 60 की है एवरेज है। अगर हम बात करें इरफान से बात करनी है कि ये पिशावर जलमी कर क्या रही है, टॉप स्कोरर जो है वो पिशावर जलमी की हमें नजर आ रहे हैं। जी पिशावर जलमी की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, पिशावर जलमी और इरफान साहब लाइन पे हैं आप क्या? नहीं इरफान साहब नहीं, मोहम्मद हफीज की बात करते हैं, लाहौर कलंदर अगर हम बात करें कामरान अकमल की, DJ मलान की, तो टॉप स्कोरर जो है वो पिशावर जलमी की जानिब से ही आ रहे हैं मेरी नजर। जी जी बिल्कुल, ये खान बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं, इनकी बैटिंग लाइन काफी अच्छी है, इसके साथ आपको बैटिंग लाइन पे बड़ी जो नजर रखने की जरूरत है वो आपकी कराची किंग्स की भी अच्छी है इस दफा, और दूसरा आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड की भी बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है। मैं जरा इरफान साहब फिर पूरी लिस्ट पढ़ देता हूं, जरा सुन लीजिए, मोहम्मद हफीज ने 112 रन स्कोर किए हैं 79 बॉल्स के ऊपर और इनकी एवरेज है 112.11। आजम खान ने 110 रन स्कोर किए हैं 72 बॉलों का सामना करते हुए, एवरेज है 36। बाबर आजम 104 रन 79 बॉल फेस किए और दो मैचेस खेले, एवरेज है 52। सरफराज अहमद 99 रन 71 बॉल्स का सामना, 3 मैचेस, एवरेज है 49.55। रोंची ने 98 मैचेस खेले, 62 बॉल्स का सामना किया, 98 रन स्कोर किए, 62 बॉल्स का सामना किया, 3 मैचेस खेले, एवरेज है 32.85। जॉनसन रॉय 90 रन स्कोर किए, 79 बॉल्स का सामना किया, 3 मैचेस खेले, जेसन रॉ और इन्होंने इनकी एवरेज है 42.55। तो ये है जी बैटिंग लाइनअप, इस पर एक कमेंट अप कर दीजिए इरफान जी। जी इसमें अभी बड़ा अर्ली है, ये स्टार्ट हुआ है, इसमें भी कई प्लेयर्स आगे आएंगे और वो परफॉर्म करेंगे, जिसे सबसे ज्यादा नाम आपको नजर आएगा उसमें कोटक रेडियड के भी बैट्समैन है, जैसे वॉटसन का नाम सबसे ऊपर आता है, हमेशा वो परफॉर्म करते आए हैं, अभी
अभी अनफॉर्चुनेटली वो भी दो मैचेस में ऐसा क्लिक नहीं कर पाए, बट उनका नाम है रॉय, बड़ा अच्छा खेले हैं, हेयर्स अच्छा खेले हैं, मनरो वापस आ गए, मनरो आपको पता T20 स्पेशलिस्ट है, फिर लाहौर के अंदर के क्रिस लेन है, ये कुछ ऐसे बैट्समैन है कि जिन्होंने अभी स्टार्टिंग है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखेंगे कि काफी आगे जाएंगे। और तो जो जादू हफीज ने जगाया है वही मैं बात करने लगा हूँ, जिस तरह से स्ट्राइक को रोटेट किया और लग ही नहीं रहा था कि लाहौर कलंदर्स का कोई प्लेयर खेल रहा है और प्रोफेसर हफीज खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस हमने इंटरनेशनल मैचेस में देखी। बात करूँ कि कल भी हमने बात की कि अगर लाहौर के अंदर को जीतना है तो दो चीजें करनी पड़ेगी उन्हें, हफीज को नंबर 3 पे आना पड़ेगा और हफीज को कैप्टनसी भी देनी पड़ेगी। अगर आप उनको सीनियर प्रो होते के सीएस से उनको नहीं यूटिलाइज करते और आप इसी तरह उनको साइड लाइन रखते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि आपके पास उस पूरे अंदर की टीम के स्क्वाड के अंदर कोई भी ऐसा प्लेयर है जो टीम को लीड कर सकता है एक्सेप्ट हफीज। तो हफीज को आपको चांस देना पड़ेगा, उसको एज ए कैप्टन भी यूज करना पड़ेगा, लास्ट टाइम इन्होंने रखा भी था बट अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। तो दूसरा बात करें, अब कैप्टेंसी के ऊपर बात आना शुरू हो गई है, लाहौर कलंदर को अब ले लेने चाहिए, ये को मतलब वर्ल्ड कप तो है नहीं कि बड़ा इवेंट के कोई मुल्क का इमेज ऊपर नीचे हो रहा नहीं सर, देखें बड़ा इवेंट तो है, बड़ा इवेंट है, बट देखें वर्ल्ड कप या जो दूसरे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं उसमें तो आपके पास ये होता है ना कि आप क्या मैसेज दे रहे हो बाकी कंट्रीज को, एक लीग है, आप लीग में एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आई एग्री विद इरफान साहब कि लाहौर कलंदर को बड़े मार्जिन पर तब्दीलियां करनी। चलो फिर अब लाहौर कलंदर्स की बातें हो गई है, अब हमें मोस्ट विकेट टेकर्स की बात करनी है PSL 2020 के। तो सबसे पहले बात करेंगे और सबसे पहला नाम भी उन्हीं का आता है जो इस वक्त हर जबान पे है और वो नाम है मोहम्मद हसनैन का। 7 विकेटें अब तक ले चुके हैं, 12 ओवर उन्होंने कराए हैं, 3 मैचेस खेले हैं और एक मरतबा 4 विकेट लिए हैं और उनकी जो एवरेज है, रेट है, इकोनॉमी रेट वो 7.16 का चल रहा है। एक यंगस्टर के लिए बहुत अच्छा ये रेट है, क्या कहेंगे आप इरफान भाई? जी बिल्कुल, मोहम्मद हुसैन माशाल्लाह बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, उधर से यासर शाह भी आ चुके हैं, नसीम शाह सॉरी आ चुके हैं और तीसरा मूसा, ये तीनों लड़के यंगस्टर हैं, ये आपका फ्यूचर है और चौथा आपका इवन लाहौर के अंदर से भी है हारिस राउ। ये 4 लड़के आपको साल डेढ़ साल के अंदर आपने देखा कि इन्होंने काफी अच्छा आपको यंगस्टर मिले हैं, इवन जब वहाब और आमिर के बाद टेस्ट में जैसे उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की तो बड़े आप पैनिक नजर आ रहे थे, बट आपको अच्छे लड़के मिले। इन चारों में से एटलीस्ट आपको 2 को पिक मस्ट करना पड़ेगा T20 के लिए भी, क्योंकि बड़े एनर्जेटिक हैं। हसनैन को थोड़ा ज्यादा जा रहा है कि हसनैन थोड़ा लंबे टाइम से खेल रहे हैं, बट नसीम शाह भी बहुत अच्छा बॉल किए टेस्ट के अंदर, अभी नसीम शाह की बात हो रही है तो शाहीन अफरीदी की भी बात करना चाहेंगे, वो दूसरे नंबर पर हैं मोस्ट विकेट टेकर के अंदर, 5 विकेटें अब तक हासिल की हैं, 8 ओवर्स करवाए हैं, 2 मैचेस खेले हैं और 4.50 की इकोनॉमी है और बहुत अच्छा ये इकोनॉमी रेट है। एक प्रोफेशनल बॉलर के तौर पर सामने आ रहे हैं, लाहौर कलंदर्स की जानिब से खेल रहे हैं, क्या कहेंगे आप, क्या कमेंट्स हैं आपके शाहीन अफरीदी की परफॉर्मेंस के ऊपर? जी शाहीन अफरीदी ने बेसिकली अभी आप ये देखें जब से हसन अली की इंजरी हुई है और आमिर और वहाब का सिस्टर नहीं है तो आपकी बॉलिंग लाइन को लीड कर रहे हैं, आपका मोस्ट अटैकिंग बॉलर और लीडिंग बॉलर वही है और उसने हर फॉर्मेट के अंदर वर्ल्ड कप में उससे पहले उसके बाद हर तीनों फॉर्मेट में आपके पास इस टाइम इज द ओनली बॉलर जिसने आपको तीनों फॉर्मेट के अंदर लीड किया और आपको उसने विक्ट्री दिलवाई है। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा नाम नहीं है जो आपको तीनों फॉर्मेट में लेके चल रहा हो, ठीक है, आपको T20 में है, कोई ODI में है, कोई टेस्ट में है, बट इज द ओनली बॉलर। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिटनेस लेवल भी बहुत जबरदस्त चल रही है। आपको क्या लगता है कि मोहम्मद आमिर की तरह जिस तरह उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ले ली, क्या ये लॉन्गर पीरियड के लिए पाकिस्तान के लिए खेल सकेंगे तीनों फॉर्मेट के अंदर? जी जी बिल्कुल, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है, उनका फिटनेस लेवल देखते हुए, उनकी एनर्जी देखते हुए, अब बोर्ड की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ प्लेयर्स की अपनी भी है। लेकिन इरफान साहब मेरे ख्याल में मैं यहाँ इख्तलाफ करता हूँ आपसे, ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, फिटनेस जो है उसमें बोर्ड का और आपके सिस्टम का बड़ी चीजें मैटर करती हैं। अब आप पीजे बर्गर याद करा रहे हैं? नहीं मैं बिल्कुल, मैं आप देखें अफ्रीका अफ्रीका सर इरफान साहब मेरी सुन लेना, आप अफ्रीका की बात देख लें, अफ्रीका ने डोनाल्ड को कितना अरसा चलाया, आप इसी तरह इंग्लैंड को देख लें, आप मैग्रा कितने हाइटेड थे, ऑस्ट्रेलिया उन्हें लंबे अरसे के लिए लेके चला, हम इरफान को लेके आए, इरफान अगर इंजरीज का शिकार हुए, अगर कंसिस्टेंट नहीं आ सके तो उनके मसाइल में PCB और सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। अगर शाहीन को आप टेकअप नहीं करेंगे तो PCB और सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होगा सर। जी जी मैं वही बता रहा हूँ आपको कि उनका पार्ट भी इस तरह है कि उनको किस तरह खिलाया जाता है, उनको क्या फैसिलिटेट किया जाता है, उनको किस तरह के ट्रेनर में प्रोवाइड किया जाता है, ये तो उनके पार्ट पे जॉब आगी ना। एक प्लेयर की अपनी भी आती है कि प्लेयर जैसे आमिर का इंसिडेंट आया तो आमिर को बोर्ड ने तो नहीं कहा था कि आप इस तरह की इन चीजों के अंदर अपने आप को इंडल्ज करो, ठीक है, वो खुद से आए। दूसरा प्लेयर जब लीग क्रिकेट के लिए जाता है तो कभी भी बोर्ड उसको इंडल्ज नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी बॉडी को फटीग में लेके आए,
वो प्लेयर्स की अपनी विल होती है जिसको वो कंटिन्यू करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैसे कमाने के चक्कर के अंदर अननेसेसरी लीग के अंदर या अननेसेसरी क्रिकेट खेल जाता है। तो ये दोनों का पार्ट है। अगर आप कितने प्रोफेशनल हो, बोर्ड की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस ऑनर्स उस प्लेयर पे भी उतना ही पैरेलल आता है कि वो अपने आप को कैसे कंटिन्यू करता है। एक प्लेयर को मालूम होता है कि मेरी बॉडी की फटीक कितनी बेयर कर सकता है, तो उसको यूटिलाइज करने का तरीका क्या होना चाहिए। जैसे शोएब अख्तर का था, सबको मालूम था कि वो एक बड़े मैच के बॉलर हैं, उनका पेस बहुत ज्यादा है, उनको अननेसेसरी खिलाया गया जिसकी वजह से उनका कैरियर स्पैन थोड़ा हो गया। लेकिन सर इरफान साहब आप ये देखें ना कि जो जितना कुछ बैलेंस रखा तो वो शुएब भाई ने अपने लिए खुद रखा, उनके अपने ट्रेनर होते थे, उनके अपने डॉक्टर्स होते थे। पीसीबी ने क्या किया? पीसीबी ने तो उन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। पीसीबी ने वसीम अकरम और वकार यूनुस के लिए भी कुछ नहीं किया। भाई पाकिस्तान की तारीख में बोर्ड और पाकिस्तान का जो क्रिकेट सिस्टम है वो कभी भी प्लेयर को फेवर नहीं कर रहा होता सर। जो भी प्लेयर्स ने अगर कंसिस्टेंट रहे प्लेयर तो वो अपने तौर पर रहे, उनके अपने ट्रेनर थे, उनकी अपनी डाइट थी, उनके अपने डॉक्टर्स थे। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों को पैरेलल चलना पड़ेगा। खाली आप प्लेयर्स को भी नहीं छोड़ सकते, खाली आप बोल को ज्यादा मैचेस भी ना खिलाए जाए जिस तरह से खिलाए गए हैं पीछे हम देखते हैं। फिर आपका प्लेयर एक लंबे टाइम तक आपको बिल्कुल जिस तरह से हमने हसन अली की भी परफॉर्मेंस देखी कि एकदम उरूज पकड़ा, उसके बाद डाउनफॉल आया, हर तरफ उनको मैचेस खिलाए जा रहे थे। हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, विकेट कीपर्स की बात कर रहे हैं। मोहम्मद मूसा का नाम तीसरे नंबर पर आते हैं, उन्होंने भी 5 खिलाड़ी आउट किए हैं, 11 ओवर अब तक कराए हैं और 3 मैचेस खेले हैं। और उसके बाद फहीम अशरफ 5 विकेट ले सके हैं और उन्होंने भी 11 मैचेस खेले हैं। और अहमद बट उन्होंने 5 विकेटें हासिल की हैं, 12 ओवर्स कराए हैं, 3 मैचेस खेले हैं। सुहेल खान 3 मैचेस खेले हैं और 4 विकेटें ले सके हैं। साथ साथ एक ही इंटरनेशनल नेम जो है वो सामने आया है अब तक, वो बेन कटिंग का है, उन्होंने 3 विकेटें ली हैं और 4 ओवर्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है पीरजादा साहब ने कि ये 7 बॉलर शायद आपने गिनवाया टॉप 7, उसमें से 6 बॉलर्स पाकिस्तानी बॉलर्स हैं, कोई इंटरनेशनल बॉलर जो है वो विकेट टेकर नहीं हो सका, अच्छे विकेट्स या ज्यादा विकेट्स नहीं ले सका अभी तक के मैचेस में, हो सकता कोई नामवर स्पिनर भी सामने नहीं आया क्योंकि वो कंडीशन से कस्टमाइज होने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे मैंने बैटिंग में भी बोला था कि टाइम लगता है, आप जब भी किसी ऐसी कंडीशन एशियन कंडीशन के अंदर पर्टिकुलरली जब वो आते हैं तो वेदर और पिचेस से कस्टमाइज होने में उनको थोड़ा टाइम लगता है और दे हैवंट प्लेड एनी लोकल मैचेस एज वेल, वो डायरेक्टली आके लीग क्रिकेट के अंदर पीएसएल के अंदर आ गए हैं और उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली आप देखेंगे कि बॉलिंग भी नजर आते रहेंगे और आपको बैटिंग में भी बड़े नाम नजर आना शुरू हो जाएंगे जिनका स्कोर ज्यादा हो रहा है। तो ये इट ऑलवेज हैपन्स, इसमें जैसे यूई के अंदर भी हमने पास में देखा तो वो ग्रेजुअल अपने आप को लेके चलते हैं, तो इंशाल्लाह नए नाम नजर आएंगे और यही चीज इसको खूबसूरत भी बनाएगी इस लीग को भी। बिल्कुल सही इरफान जहीर साहब, कल का मैच क्योंकि अभी हमारे पास वक्त कम है, हमने वाइंड अप करना होगा। बिल्कुल लाहौर सॉरी मुल्तान में मुल्तान सुल्तान और पेशावर जलमे का मैच है, आपके ख्याल में कौन सी साइड ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है कल के मैच में? इस्लामाबाद थोड़ी सी सॉरी जलमी जो है वो ज्यादा बेहतर शेप अप नजर आ रही है एज कम्पेरेटिवली मुल्तान पहले बैच में बहुत अच्छा नजर आए, बट उनकी ना बैटिंग जो है वो एज सच उसमें जो प्रॉब्लम नजर आ रहा है कि बड़े हिटर नहीं है, ठीक है, वो थोड़ा सा जैसे देखा अभी मैंने तीनों मैच को उनके दोनों मैचेस को पहले भी देखा कि वो इनिशियली पावर प्ले का बड़ा बुरा यूज कर रहे हैं कि हार्डली वो स्कोर। बहुत शुक्रिया इरफान जहीर साहब, पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पावर प्ले में ज्यादा रन जो टीम बनाएगी वही मुस्तहकम होगी अगर पहले बैट किया तो। बिल्कुल, और हमें दीजिए इजाजत, कल आपसे मिलेंगे। टेलीनॉर प्रेजेंट्स मोर से ज्यादा क्रिकेट फीवर, खेल दीवानों से हमें दीजिए इजाजत। और हमारे बेवरेज पार्टनर है सरप्राइज डिटर्जेंट पार्टनर सर्फ एक्सेल, चॉकलेट पार्टनर है कैडबरी और पावर बाय यूफोन एंड लिटमैन। सी यू टुमारो।